Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. Sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, but confirmation denge. Sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, but confirmation do yaar. Is audibility absolutely fine to each and everyone? India ke best AJ electrical session mein aap sabhi bachcho ka fir se swagat hai guys. Isko best aap logon ne banaya hai. Aapke pyar ne banaya hai pichle 2 saal ke andar andar jitne bhi hamare exam hue hain. चाहे एग्जाम DSSB हो या DFCCI लो, RVNL हो या RSMSSB हो, SSCJE हो या NHPC हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड OCT बोकारो राउरकेला का पेपर हो, या पेपर हो आपका मध्य प्रदेश सभी जनरल पेपर हो, MPPGCL या पेपर हो महाट्रांस को महाजैन को, आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज ए डिस्कशन देखने को मिले हैं. हर दिन हम लोग मिलते हैं शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक. 4 से 5 हमारा सेशन होता है. आप सबको बताना चाहिए 4 से 5 हमारा जो सेशन होता है वो बेसिकली सेशन किस चीज के रिगार्डिंग होता है बेटा. तो 4 से 5 बजे वाला जो हमारा सेशन होता है वो पर्टिकुलर सेशन हमारा किस चीज के रिगार्डिंग होता है एंड अदर एग्जाम्स के लिए. 5 से 6 बजे तक हम लोग मिलते हैं बेटा SSC JEE विजय के लिए. सर ये SSC JEE विजय क्या है सर? क्लियर, ये SSC JEE विजय क्या है बेटा? SSC JEE विजय एक अभियान है, एक ऐसा अभियान, एक ऐसी मुहिम है जहां पर बेटा मैं आप लोगों को क्लियर, आप लोगों के लिए हर दिन क्लियर, आप लोगों के लिए हर दिन एक पर्टिकुलरली, हर दिन अगर हम बात करें तो आपके लिए हर दिन पर्टिकुलरली मैं क्या करता हूं, तो हर दिन अगर हम बात करते हैं तो हर दिन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं. पूरा का पूरा टॉपिक है ना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और पूरे टॉपिक के अंदर क्या पढ़ाता हूँ तो आपको वो भी मैं बताता हूँ. तो एक्चुअली गाइस 2006 से लेकर के 2022 तक के इतिहास में जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम के अंदर 50 ऐसे टॉपिक, खास करके SSC JEE की भी बात करूं तो ऐसे 50 टॉपिक जहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही तय है, मतलब पूछा ही जाएगा राइट. ऐसे 50 टॉपिक्स को गाइस मैं आप लोगों को अपने अंदाज में डिटेल में पढ़ा रहा हूं. आज अगर आप देखोगे तो हमारा कौन सा दिन है, कौन सा टॉपिक है भाई आज हमारा, है ना? तो आज अगर हमारे पास बात करेंगे हम लोग तो 28 आज अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो 25वां टॉपिक है, मतलब अभी तक मैं आपको टोटल 24 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ. आज का जो टॉपिक है आपका वो है बेटा मेजरमेंट ऑफ RLC. क्या मतलब है मेजरमेंट ऑफ RLC का, ये हम लोग आज जानेंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो एक बार सेशन को दिल से शेयर एंड लाइक कर देंगे और फिर अपन लोग मचा देते हैं. एक बार दिल से सेशन को शेयर एंड लाइक कर देंगे और फिर अपन लोग मचा देते हैं. एक बच्चा पूछ रहा है वेस्ट बंगाल PSC JEE के बारे में बोलिए, है ना बेटा? क्या बोलना है आप मुझे बताओ. जनवरी से पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू रखो, है ना? कंटिन्यू रखो, और कुछ थोड़ी करना है. यस मोहिंदर, टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन टेस्ट बुक पास, यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, तो क्या करना है बेटा? एक ही चीज पढ़ाई करनी है बस. अब उसमें और क्या एग्जाम डेट दिया है. हाँ मोहम्मद जी, तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना बेटा कि उसमें बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना. 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ की क्लास में अवेलेबल रहे आप, है ना? अगर रोज रहते हैं अवेलेबल तो अच्छी बात है, बीच बीच में गायब हो जाते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं बोल सकते अपन. नहीं, चलिए तो एक बार दिल से बेटा सेशन को सभी बच्चे शेयर एंड लाइक कर देंगे सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन फटाफट फार. क्लियर, चलिए. प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जय, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बेटा क्रिएटेड है 5 PM वाले सेशन की, ऑलरेडी क्रिएटेड है. एक बार आप चेक करो आपको मिल जाएगी. चलो सर, आपने जो क्लास किया है वो कनेक्ट हो जाता है, हो जाएगा मोहम्मद जावेद? 3 काम अगर किए हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. उसका मतलब ये भी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? 3 काम, पहला मेरा बैच अगर पूरा कंप्लीट किया है, बैच जो कि एप्लीकेशन पे चलता है. दूसरा, ये 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वाली क्लास पिछले 4-5 महीने से अगर देख रहे हो या 3-4 महीने से भी देख रहे हो, 2 महीने से भी रेगुलर हो, एक भी क्लास स्किप नहीं करिए, ठीक है? और तीसरा, आपने टेस्ट प्रॉपर दिए हैं, है ना? करीब करीब 40-50 टेस्ट आपने दे दिए हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इसके बाद आपका पेपर में आपका जो मेंटल है ना, पेपर के अंदर आपका जो दिमाग का जो आपका एग्जीक्यूशन है वो अगर अच्छा रहा तो सिलेक्शन हो जाएगा. इसके बाद फिर कुछ नहीं बोलूंगा, तो सिलेक्शन हो जाएगा. लेकिन अगर इन 3-4ों में से कोई भी चीज स्किप करी होगी तो सिलेक्शन की राह से बहुत पीछे हो जाओ, बहुत ज्यादा पीछे, ठीक है? तो झूठी तसल्ली देने से बेहतर है जो सच्चाई है वो बताऊंगा, है ना? बहुत ज्यादा पीछे हो जाओ, ठीक है? चलिए, तो यहां जितने भी बच्चे हैं उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी क्लियर ऑलरेडी पेपर पूरा बैच पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी वो पिछले 6 महीने से यहां पर कंटिन्यूसली 4 से 6 की क्लास देख रहे हैं, उन्होंने टेस्ट भी काफी दिए हुए हैं, ठीक है? अब उनका मेंटल स्टेटस की बात, उनका मेंटल स्टेटस सही रहा डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है भाई? तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ RLC.
Measurement of RLC, measurement of RLC. अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है measurement of RLC का? कुल मिला के मैं आपको ये पढ़ाना जा रहा हूँ बेटा कि एक रजिस्टर कैपेसिटर और एक इंडक्टर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ ये नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा पर्टिकुलर चीज, कौन से पर्टिकुलर चीज के लिए यूज की जाती है और क्या किसका क्या मेन मोटिव होता है, ठीक है। चलिए क्लियर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब यहां पे देखेंगे गाइस आप लोग बढ़िया तरीके से कि रेजिस्टेंस का मेजरमेंट अगर हमको करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमारा आज का टॉपिक काफी छोटा है ना, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो बेटा जब हम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करने जाते हैं तो हमारे पास टोटल तीन तरीके के हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। सबसे पहला रेजिस्टेंस गाइस हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं गाइस? हम लोग लो रेजिस्टेंस बोलते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं? लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लो रेजिस्टेंस की बात करने लगते हैं, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा जब भी मैं बात करूंगा लो रेजिस्टेंस की, तो लो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू लेस देन क्या होती है, 1 ओम। कितनी होती है बेटा? लेस देन 1 ओम। लो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बेसिकली है ना चार टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग करते क्या है चार टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस बेटा हमारा वो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग चार टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे सर चार टर्मिनल से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो चार टर्मिनल से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारा वो एक तो ये वाला है और एक तरीका हमारा ये वाला है। तो चार टर्मिनल से अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो एक तरीका हमारा ये वाला है और एक तरीका हमारा ये वाला है। तो ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे हम लोग चार टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसको मेजर किससे किया जाए, तो बेटा एक ओम एक पर्टिकुलर क्लियर है ना, एक पर्टिकुलर एक 1 ओम से कम के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? केल्विन डबल ब्रिज। क्या यूज करते हैं बेटा? केल्विन डबल ब्रिज यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? केल्विन डबल ब्रिज। ये हमारा किससे मेजर किया जाता है? केल्विन डबल ब्रिज से मेजर किया जाता है। सर क्या हम इसको पोटेंशियोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप। आप चाहो तो इसको आप पोटेंशियोमीटर से भी मेजर कर सकते हो, उससे भी हमारा ये मेजर हो जाए, ठीक है। अब आता है लो रेजिस्टेंस के बाद आता है बेटा हमारा क्या? हाई मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस की जब मैं बात करने जाऊंगा तो अभी हमारा सेकंड नंबर पे आता है मीडियम रेजिस्टेंस। सेकंड नंबर पे क्या आता है गाइस? हमारा मीडियम रेजिस्टेंस आता है। तो सेकंड नंबर पे हमारा मीडियम रेजिस्टेंस आता है। अब आप बोलोगे सर मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है? तो अगर हम मीडियम रेजिस्टेंस की बात करने जाएंगे, मीडियम रेजिस्टेंस की, तो मीडियम रेजिस्टेंस हमारा वो रेजिस्टेंस होता है, बेटा जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू है मीडियम रेजिस्टेंस की वो हमारी क्या होनी चाहिए? 1 ओम से लेकर के हमारा जो वैल्यू है वो 100 किलो ओम तक होना चाहिए। इतनी वैल्यू के रेजिस्टेंस को मीडियम रेजिस्टेंस बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो टर्मिनल से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? दो टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो टर्मिनल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। अब दो टर्मिनल से रिप्रेजेंट करने के बाद कौन कौन से हमारे पास ऐसे मेथड्स है, क्लियर, कौन कौन से है ना। सर ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है तो आपके दूसरा विजय का क्लास देखने जा रहा हूं। श्रीवास्तव बेटा ये टॉपिक तूने पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, तो जब इसको देखेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो दूसरा विजय का क्लास किसी और टाइम पे देखना है, ठीक है। अभी जब तू ये पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा कि मैं तुमको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चल तो बेटा मीडियम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम रेजिस्टेंस हमारे पास ये आर है। अब आर है और कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास मेजर करने के लिए इसको, तो आपको नाम पता होना चाहिए इसके मेथड्स के नाम। तो एक एक करके सभी बच्चे नाम बताएंगे। सबसे पहला नाम मैं बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। दूसरे मेथड का नाम बताता हूं गाइस मैं आप लोगों को। एक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज, एक का नाम होता है बेटा एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। क्या होता है? एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। एक मेथड आपके पास गाइस ये भी अवेलेबल है,
और बताइए आप लोग, और क्या नाम, और क्या मेथड के नाम और बताइए, मीडियम रेजिस्टेंस को नापने का कोई और मेथड बताएंगे? हाँ, मीडियम रेजिस्टेंस को कोई और मेथड बताएंगे जल्दी? सर एक साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास कैसे ज्वाइन करें आपके एप्लीकेशन पे? जयंत, इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे बेटा मैसेज करके मैं बता दूं, ठीक है? चलिए, तो बेटा एक और मेथड हमारे पास होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, एमीटर वोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया हमारा, है ना, याद रखिएगा ओम मीटर हो गया हमारा। ओम मीटर के बाद अगर हम बात करें तो एक मेथड और होता है हमारे पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करता है या हाई रेजिस्टेंस को? सब्स्टिट्यूशन मेथड मीडियम को मेजर करता है या हाई रेजिस्टेंस को? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड मीडियम को करता है या हाई रेजिस्टेंस को करता है, जल्दी बोलेंगे? गुड, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा क्या करता है, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर मैं बात करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे सारे मेथड्स हैं बेटा जो मीडियम रेजिस्टेंस है। मेजॉरिटी रेजिस्टेंसेस हमारे पास मार्केट में जो अवेलेबल है वो हमारे क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस। अब थर्ड आता है गाइस आप लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आज हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं सर, क्या पता क्या पढ़ा रहे हो सर, सब आता है सर, मजाक कर दो सर, कोई नोटिफिकेशन ला दो सर, एकदम बढ़िया 25-30 हजार पोस्ट वाला कोई नोटिफिकेशन ला दो, 1-1 लाख पोस्ट वाला कोई नोटिफिकेशन ला दो सर। यकीन मानो अंदर से ऐसा लगेगा मेरी नौकरी लग गई। नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ कुछ बच्चों का तो नोटिफिकेशन आते से फील होने लगता है कि मेरी नौकरी लगी गई है। अरे तुम्हें पता नहीं 2012 से लेकर 2023 तक के सब बैठे हैं, अभी सबकी थोड़ी नौकरी लग गई है, हैं? 21 साल का बच्चा भी तैयारी कर रहा है, 22 का भी कर रहा है, 23 का भी कर रहा है, 24 का भी कर रहा है, 25 का भी कर रहा है, 26 का भी कर रहा है, 27 का भी कर रहा है, 28 का भी कर रहा है, 29 का भी कर रहा है, 30 का भी कर रहा है, और SSC JEE RRB JEE में 32 तक वाले कर रहे हैं। और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी में बोल रहा हूँ, जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लास SST के स्टूडेंट्स है वो 33-34 तक एज में तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा कॉम्पिटिशन तुमसे 14 साल छोटे बड़े इंसान के साथ भी है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखना यार, चलो, है ना, तैयारी सब कर रहे हैं बेटा, बोलेगा कोई नहीं, चल मैं तो जानता हूं ना, पढ़ाता तो मैं हूं ना, मेरे को पता है ना, पढ़ाता तो मैं हूं, मैं तो बात ही करता हूं ना। चलिए, तो यहां पे देखेंगे हाई रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा हाई रेजिस्टेंस हमारा 100 किलो ओम के आसपास होता है, 100 किलो ओम से ज्यादा होता है। अगर मुझे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करनी हो, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर मुझे बात करनी हो, तो हाई रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने टर्मिनल्स अवेलेबल है, है ना, टोटल हमारे पास कितने टर्मिनल, क्लियर, हमारे पास टोटल कितने टर्मिनल्स अवेलेबल है? 3 टर्मिनल्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो जब 3 टर्मिनल्स हमारे पास अवेलेबल है तो हाई रेजिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है? हाई रेजिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है गाइस? तो अगर मैं हाई रेजिस्टेंस को नापने की बात करूंगा तो जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं हाई रेजिस्टेंस के लिए, जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं, उनमें पहला मेथड आता है आपका, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मेगर। क्या बोलते हो आपका पहला मेथड क्या आता है? मेगर। दूसरा मेथड की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा मेथड आता है आपका कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तीसरे मेथड की अगर मैं बात करूंगा तो आपका निकल के आता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन के बाद, क्लियर, मेगा ओम ब्रिज। क्लियर, क्या निकल के आता है बेटा? मेगा ओम ब्रिज। और चौथा मेथड आपका निकल के आता है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ चार्ज मेथड। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यार ये 4 मेथड हमारे पास ऐसे हैं जो हाई रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, सर ये हाई रेजिस्टेंस जो आपका है ये बेसिकली होता क्या है? सवाल यहाँ पे क्या पूछता है, ये जो हाई रेजिस्टेंस होता है आपका ये बेसिकली होता क्या है? हाई रेजिस्टेंस में आते हैं बेटा हमारे इंसुलेशन के रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस में कौन आता है हमारा? इंसुलेशन रेजिस्टेंसेस निकल के आता है। हाई रेजिस्टेंस में कौन आता है हमारा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकल के आता है।
क्लियर। अब जब हाई रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकल के आता है। आपके मन में एक डाउट ये निकल के आना चाहिए कि सर हाई रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, इंसुलेशन की लो रेजिस्टेंस कहां पाया जाता है? लो रेजिस्टेंस वहां पाया जाता है जहां पर करंट ज्यादा चाहिए। जहां करंट ज्यादा चाहिए मतलब हो गया आपकी मशीन की वाइंडिंग। अगर मैं आपसे बात करूं एक सिंक्रोनस मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है 0.2, एक डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.2। तो अगर आप लोगों को बेटा मशीन की वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस को निकालना है, उनकी वैल्यू अगर आप लोगों को निकालना है, तो आप आराम से लॉस ऑफ चार्ज लो सॉरी केल्विन डबल ब्रिज को यूज करते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सारे मेथड्स हो गए, अब आते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंडक्टर और कैपेसिटर को मेजरमेंट करने का काम। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस मेजर करना सीख लिया, अब हम इंडक्टर और कैपेसिटर मेजर करना सीखते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर इन इंडक्टर। मेजरमेंट ऑफ तो L और C का मेजरमेंट हम लोगों को पता होना चाहिए यार। L और C का मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर को कैसे मेजर करते हैं और किस चीज से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रिज होता है बेटा जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स ब्रिज। एक ब्रिज होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स ब्रिज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैक्सवेल्स ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैक्सवेल्स ब्रिज। क्या सर इसकी सर्किट याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा एक ब्रिज होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर, That is called Anderson Bridge, ठीक है। दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Anderson Bridge, और तीसरा जो हमारा होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं Hayes Bridge। क्या बोलते हैं? Hayes Bridge। ये तीनों के तीनों ब्रिज जो हमारे हैं वो सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने का काम करते हैं। ये तीनों ब्रिज हमारे क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने का काम करते हैं। ये तीनों ब्रिज हमारे जो है ये यूज किए जाते हैं टू मेजर, यूज टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर किसी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को यानी कि स्व प्रेरकत्व को अगर हमको नापना हो, क्लियर, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इन तीनों ब्रिज में से किसी एक ब्रिज को उपयोग में ला सकते हो, चाहे वो मैक्सवेल्स हो, चाहे वो एंडरसन हो, या फिर अगर हम बात करें तो आपका वो हेज ब्रिज ही क्यों ना हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर इन तीनों ब्रिजेस के अंदर कौन सा ब्रिज लो वैल्यू के लिए, कौन सा हाई वैल्यू के लिए, और कौन सा हमारा किसके लिए है ना, मीडियम वैल्यू के लिए। तो याद रखना हेज ब्रिज जो हमारा बनाया गया था ये हाई क्यू कॉइल के लिए है, याद रखना। इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू है, इसके अंदर जो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा, है ना। तो इसको हमने बनाया था हाई क्यू कॉइल के लिए, किसके लिए बनाया था, हाई क्यू कॉइल को मेजर करने के लिए, मतलब कुल मिला के जिसका इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। बट कितनी ज्यादा है, तो बेटा 10 से ज्यादा होना चाहिए। एंडरसन ब्रिज की बात करता हूं तो एंडरसन ब्रिज के अंदर क्यू का वैल्यू हमारा 1 से कम होना चाहिए, इसको लो की कैटेगरी में डालते हैं हम लोग, ये लो क्यू कॉइल की कैटेगरी में आता है। और एक होता है हमारा मैक्सवेल्स ब्रिज, तो बेटा हमारा मैक्सवेल ब्रिज की अगर मैं बात करने जाऊंगा, तो बेटा जो मेरा मैक्सवेल ब्रिज है, अगर मैं मैक्सवेल ब्रिज के बारे में बात करने जाऊंगा, तो जो मेरा मैक्सवेल ब्रिज है ये बेसिकली हमारा क्यू का वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 के बीच में मेजर करने के काम आता है। तो क्यू का वैल्यू अगर मेरा 1 से 10 के बीच में मेजर करने के काम आता है, अगर क्यू का वैल्यू मेरा 1 से 10 के बीच में मेजर करने के काम आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम क्यू कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, मीडियम क्यू कॉइल बोला जाता है, यानी कि मीडियम क्वालिटी फैक्टर का ये कॉइल है, याद रखिएगा, क्लियर, दैट इज कॉल्ड मीडियम क्यू कॉइल। ठीक है, ओके सर। सर जी पीटरसन ब्रिज क्या मेजर करता है? पीटरसन कोई ब्रिज ही नहीं होता भैया, पीटरसन कोई ब्रिज नहीं होता यार, है ना, पीटरसन नाम का कोई ब्रिज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा एंडरसन इज फॉर लो क्यू कॉइल के लिए, हेज ब्रिज है, और हमारे पास एक और ब्रिज है जिसका नाम है मीडियम क्यू कॉइल। अब आती है इसके बाद की बात, हमारे पास एक और ब्रिज मार्केट में अवेलेबल है, फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करता हूं ब्रिज के बारे में, तो वो हमारे पास है ओवंस ब्रिज। क्या सा ब्रिज है? ओवंस ब्रिज। तो बेटा ओवंस ब्रिज की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारा इंडक्टेंस तो मेजर करता है, बट किस तरीके का इंडक्टेंस मेजर करता है ना, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। तो ये हमारा किस तरीके का इंडक्टेंस मेजर करता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। तो हमारा जो ओवेंस ब्रिज होता है बेटा ये इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करने के काम आता है, क्लियर।
इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, क्लियर। आज का पीडीएफ दोगे क्या आप मुझे? जी ठीक है। पीटरसन इज अ कॉइल व्यूज फॉर द अर्थिंग एंड इट इज नॉट अ ब्रिज, याद रखिएगा। ठीक है, इट इज अ कॉइल, पीटरसन कॉइल बोलते हैं, रेजोनेंट ग्राउंडिंग के काम आती है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे ओवन्स ब्रिज जो होता है बेटा, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस नापने के काम आता है। ओवन्स ब्रिज के बाद हमारा एक और ब्रिज निकल के आता है जिसका नाम क्या है आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है हमारा, है ना, एक और चीज है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी साइड ब्रिज, एच ई ए वी आई एस आई डी ई, इसको क्या बोलते हैं, हैवी साइड ब्रिज। या फिर अगर हैवी साइड ब्रिज की बात करूं तो उसके बाद आता है हमारा, है ना, हेड व्हीलर ब्रिज, हेड व्हीलर ब्रिज, हैवी साइड ब्रिज होता है हमारा, हेड व्हीलर ब्रिज होता है हमारा, और बताइए, क्लियर, हैवी साइड ब्रिज होता है हमारा, हेड व्हीलर ब्रिज होता है, क्लियर क्लियर। आज से आप लोगों को मैं पहले बोल चुका हूं कि सारे क्लासेस की जो भी दिन भर की पीडीएफ होंगी वो आपको रात को 11 से लेकर 12 के बीच में आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, रात से 11 के बीच में आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ सारी क्लासेस की पीडीएफ रात को 11 बजे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है इसके बाद कैंपबेल ब्रिज, कौन सा ब्रिज आता है गाइस, कैंपबेल ब्रिज, कौन सा ब्रिज आता है आपका, कैंपबेल ब्रिज। तो एक हैवी साइड ब्रिज होता है गाइस, एक कैंपबेल ब्रिज होता है, ये तीनों के तीनों जो ब्रिजेस हैं हमारे बेटा ये यूज किए जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। ये तीनों के तीनों ब्रिज जो हमारे हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। सुरुचि बोले इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस का मतलब ये होता है सुरुचि कि कोई ऐसी एक ऐसा कॉइल बेटा जिसका इंडक्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, एक ऐसा कॉइल जिसका इंडक्टेंस कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि पहले मान लीजिए कुछ और था और अब कुछ और हो गया, तो जो इंडक्टेंस में चेंज हुआ, जो इंक्रीमेंट मिला इंडक्टेंस में, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। सर यूट्यूब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी राजू बेटा, यूट्यूब की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और कब मिलेगी, क्लियर, कब मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में, जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद। तो टोटल डेली यूट्यूब की तीन क्लासेस होती है, 4 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक, और जो और एक और क्लास होती है रात को 10 बजे, जब वो क्लास खत्म हो जाएगी उससे एक घंटे के अंदर अंदर खाना खा के तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर। चलिए तो बेटा यहाँ पर ये याद रखना है आप लोगों को, है ना, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना हैवी साइड ब्रिज क्या होता है, हेड व्हीलर क्या होता है, कैंपबेल ब्रिज क्या होता है, ये सारे ब्रिजेस जो हमारे हैं ये इनको हम लोग प्रेफर करते हैं, क्लियर, इनको हम लोग प्रेफर करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, राइट राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब आता है सिक्स्थ नंबर का ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं वेन्स ब्रिज, वेन्स ब्रिज में आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेजर क्या करता है, तो बेटा मेजर तो करता है फ्रीक्वेंसी, वेन्स ब्रिज आपको मेजर क्या करता है, तो मेजर तो करता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने सारे ब्रिजेस में फॉर्मूला नहीं लिखवाया, क्यों, क्योंकि जिन ब्रिजेस का फॉर्मूले की जरूरत है वो ब्रिजेस के फॉर्मूले को याद करना पड़ता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दीजिए दिलीप म्यूजिक जी, क्लास के बाद मिल जाएंगे बेटा, आप लोग इतने सारे बच्चे रहते हो एक साथ सब बोलोगे पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी, बाकी छपरी यूट्यूबर की क्लास बन जाएगी, नहीं। चलो तो वेन्स ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1/2 pi times of अंडर रूट ऑफ R1, R2, C1 and C2। ये हमारे वेन्स ब्रिज की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारी वेन्स ब्रिज की फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको याद, यार वेन्स ब्रिज की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास वेन्स ब्रिज की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछ लेता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा सर ये R1 और R2 क्या है, तो सॉरी C1 C2 क्या है, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता करने की इसलिए आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पास जब सर्किट बनी रहेगी, ठीक है, वो बेसिकली हो जाएगी, है ना, जो सर्किट बनी रहेगी आपके पास उसके अंदर आपको दिख जाएगा R1 और R2 क्या है, C1 और C2 क्या है। क्लियर, चलिए अब आता है इसके बाद की बात बेटा, अब आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो सेवंथ नंबर पे मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को कैपेसिटेंस मेजरमेंट, सेवंथ नंबर पे क्या पढ़ाने जा रहा हूं बेटा,
कैपेसिटेंस, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो ब्रिज है, पहले ब्रिज का नाम है हमारे पास डी सॉटी ब्रिज, ठीक है, और दूसरे ब्रिज का नाम है हमारे पास शेयरिंग ब्रिज। एक हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है डी सॉटी ब्रिज और एक हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है शेयरिंग ब्रिज। डी सॉटी ब्रिज हमारा कैपेसिटेंस मेजर करता है गाइस, लेकिन कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस जो ये हमारा मेजर करता है, कैपेसिटेंस जो बेटा ये हमारा मेजर करता है, कैपेसिटेंस जो हमारा ये मेजर करता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये कैपेसिटेंस कौन सा मेजर करता है, आइडियल कैपेसिटर। कौन सा मेजर करता है? आइडियल कैपेसिटेंस। आइडियल कैपेसिटर। लेकिन जब मैं शेयरिंग ब्रिज की बात करने जाऊंगा तो शेयरिंग ब्रिज बेसिकली मेरा क्या करता है, है ना, लॉसी कैपेसिटर को मेजर करता है। कौन से कैपेसिटर को मेजर करता है? लॉसी कैपेसिटर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? लॉसी कैपेसिटेंस को मेजर करता है। साथ ही साथ में लॉसी कैपेसिटेंस मतलब होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटर। लॉसी कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस। प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस। तीसरा होता है बेटा ये डायलेक्ट्रिक लॉस को भी मेजर करता है। ये क्या करता है? हमारा डायलेक्ट्रिक लॉस को भी मेजर कर लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीजें शेयरिंग ब्रिज के बारे में पूछी जाती है। शेयरिंग ब्रिज आपका डायलेक्ट्रिक लॉस को भी क्या करता है? मेजर करने के काम करता है। ठीक हो गई इतनी बात? यस सर। अब आती है इसके बाद की बात, है ना, इसके बाद की बात। डायलेक्ट्रिक लॉस हो गया, डिसिपेशन फैक्टर हो गया। डिसिपेशन फैक्टर को भी ये क्या करता है? मेजर करता है। पावर फैक्टर नहीं करता, पावर फैक्टर मतलब है ना डिसिपेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब आती है इसके बाद की बात। आइडियल के लिए डिसॉर्टी एंड लॉसी के लिए शेयरिंग। ट्रिक इज आइडियल में डी आगे लगा देंगे तो ओके। चलिए अब आती है इसके बाद की बात। सर ये सारे फैक्टर्स हो गए, हमने रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना सीख लिया, इंडक्टर मेजर करना सीख लिया, कैसे करना है, कैपेसिटेंस मेजर करना सीख लिया, ठीक है। सर इनके ऊपर न्यूमेरिकल जब आता है तो वो तो बेटा टॉपिक में कभी अलग से लूंगा, जिसमें सीधे ब्रिज को सॉल्व करना सिखाऊंगा। वो आज के क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि आज की क्लास में हमको इन सारी चीजों को देखना था, राइट। लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा जिसका मैंने अभी तक नाम लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करेंगे बढ़िया तरीके से ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस होता है ना, तो आप लोग सब सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस नहीं होता तब आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक बढ़िया सा सवाल हम लोग करेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलिए यहां पे देखेंगे गाइस आप लोग बढ़िया तरीके से कि यहां पे आपके पास ये 20 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहां एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहां एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहां एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये सब आपके सामने क्या अवेलेबल है? रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है। ये सब आपके सामने क्या अवेलेबल है? रेजिस्टेंसेस। और बेटा यहां पर आपके सामने ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है जी, ठीक है। आपको करना सिंपल सा इतना सा ये है कि आज आपको गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट कैलकुलेट करना है। अब आपके मन में आएगा सर ब्रिज बैलेंस है, मैं ब्रिज को बैलेंस करूंगा ही नहीं। ये 4 ओम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये आपके पास 16 ओम अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास 8 ओम अवेलेबल है और ये आपके पास 12 ओम अवेलेबल है। सॉल्व करो फटाफट और गैल्वानोमीटर करंट निकालो। सॉल्व करेंगे और गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट कैलकुलेट करेंगे फास्ट जल्दी। और सेशन को एक बार खतरनाक तरीके से लाइक करके 100 क्रॉस मारें सभी बच्चे जितने भी अवेलेबल है, सभी बच्चे। और आज मैं आप लोग को पता है, आप लोग को रीजन पता है मैं बैठ के क्यों पढ़ा रहा हूं, बाकी से भी लास्ट क्लास है बैठ के पढ़ाने वाली, इसके बाद वापस खड़ा हो जाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, इसके बाद वापस खड़ा हो जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। जल्दी फटाफट जल्दी 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 सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आई जी। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आई जी। फाइंड आई जी यानी कि गैल्वानोमीटर का करंट कैलकुलेट करना है। तो 12, 16, 8 जो आपको पता है ये ब्रिज अनबैलेंस है तो आप आराम से निकाल सकते हो। जल्दी करेंगे एक एक बच्चा, और जैसे ही एड आए तुरंत वापस आओ एड के बाद, जल्दी कैलकुलेट करो। जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी फास्ट, क्या बात है, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। सर टोटल सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे क्या? यस नवनीत, सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाता हूं बेटा, सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है, सारे सारे एक एक, ये लाखों बच्चों की डिमांड है, इसीलिए ये रीजन है ना, ये लाखों बच्चों की डिमांड है सर, सारे सब्जेक्ट आप ही से पढ़ना, दैट वाज द रीजन, ठीक है। चलिए चलिए तो ट्राई कर लेते हैं यार, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जरा इसको भी ट्राई मार देते हैं अपन लोग, कैसे करना है इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, जब भी आपको यहाँ पे करंट निकालना है, जब भी आपको यहाँ पे करंट निकालना है, तो आप सभी बच्चों के मन में बेटा एक बात आनी थी, क्लियर, आप सभी बच्चों के मन में एक बात आनी चाहिए थी, जितने भी बच्चे यहाँ पे निकालना चाहते हैं इसके अंदर करंट, सभी बच्चों के मन में एक बात आनी चाहिए थी, सर गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब एक हो, बिना गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस में सर करंट कैसे निकाल लोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो निकाल के दे देगी, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रेजिस्टेंस निकालने, अबे रेजिस्टेंस जब भी कहीं करंट निकालना हो तो वहां का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना, तुमसे बोले वायर में कितना करंट है तो तुमको वहां का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना। हाँ, तो सबसे पहले आपकी गलती ये है कि जो क्वेश्चन करने में भिड़ गए, तो अपने दिमाग को थोड़ा खोल के आगे बढ़ा करो, बिना दिमाग को खोले हुए आगे मत बढ़ा करो, फिर दिमाग से बात बाहर ये निकलती है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, अबे न्यूमेरिकल सही होगा तब न्यूमेरिकल बनेगा ना, और ये पॉइंट वन बाई टू वाले कौन थे भैया जिन्होंने आंसर वन बाई टू निकाल दिया डायरेक्ट, कौन था ये वन बाई टू वाला, चलिए सो यहां पे देखेंगे गाइस, जो हमारा गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है जो हमारा कितना है 2 ओम, ठीक है, दिस इज द गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, बिना इसके नहीं कर पाओगे। अब यार सभी लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिनको बोला जाता है थेवेनिन थ्योरम, सभी लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर है ना, जिसको बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर के ऊपर थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं, मतलब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को दो टर्मिनल मान लेते हैं, इन दोनों को दो टर्मिनल मान लेते हैं, एक टर्मिनल ये ए है और एक ये बी टर्मिनल है, और ये ए और बी टर्मिनल को अपन क्या मानते हैं, इसको अपन लोग क्या मानते हैं, इसको ये दो टर्मिनल मानते हैं, और बढ़िया तरीके से अपन इसके अक्रॉस क्या निकालते हैं, है ना, थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया अप्लाई थेवेनिन थ्योरम अक्रॉस के भी। अबे थेवेनिन थ्योरम में यही करते हो ना, थेवेनिन थ्योरम में यही करते हो ना, जहां पे रेजिस्टेंस, जहां पे करंट निकालना होता है उसके अक्रॉस ए बी, उसको उसके अक्रॉस करंट निकालने के लिए वहां पे थेवेनिन लगा देते हो। तो अप्लाई थेवेनिन थ्योरम ठीक है, अब अगर हमको बेटा थेवेनिन निकालना, तो सबसे पहले काम करते हैं अपन लोग, कैलकुलेशन करते हैं किसकी, आरटीएच की। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन लोग, आरटीएच की। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन लोग, आरटीएच की। आरटीएच की कैलकुलेशन जब हमको करना हो, सबसे पहले बेटा किसकी कैलकुलेशन करेंगे, आरटीएच की। तो समझना मेरी बात को, अगर आप लोगों को यहां पर आरटीएच का कैलकुलेशन करना हो, अगर आप लोगों को यहां पर आरटीएच का कैलकुलेशन करना हो, आप लोगों को अगर यहां पर आरटीएच का कैलकुलेशन करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा ये आपको ये गायब हो जाएगा आपका, ठीक है, हाँ सर ये गायब हो जाएगा बिल्कुल। अब आरटीएच का कैलकुलेशन करना हो तो ये हमारा गायब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, ठीक है। आरटीएच आपको इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है, और बेटा वोल्टेज सोर्स के बारे में तो पहले आपको बताना चाहिए, जब भी आपको आरटीएच निकालना है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा उसको, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यार, यहां पर ये ए और बी के बीच में अगर मुझे आरटीएच निकालना हो तो आरटीएच का वैल्यू कितना निकलेगा, तो अब आप ही मुझे बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस आपको किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, हाँ इन दोनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपको किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, दूसरा यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो भैया ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है। तो जब रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में 4 और 16, तो 4 और 16 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, और उसके बाद बेटा उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, तो जब इनको सीरीज में ऐड करने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 पैरेलल 12, कितना हो जाएगा 8 पैरेलल 12, ठीक है। अब इन दोनों को सीरीज में कर देंगे तो ये हमारा आरटीएच निकल के आएगा, तो जल्दी से बता दो आरटीएच का वैल्यू कितना, आरटीएच का जल्दी बोलो, अगर गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, नहीं कारो कराकोरम नहीं होगा, नहीं बोलते हैं तू, फिर ये बोल उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, ये मत बोल होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा कि होगा ही नहीं,
आरटीएच हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आरटीएच अगर हमको कैलकुलेट करना है तो आरटीएच बेटा कैलकुलेट करके बताओ तो ये कितना निकलेगा यार, 16 4 64 डिवाइडेड बाय 20 और ये कितना निकलेगा 12 8 96 डिवाइडेड बाय 20, तो 96 और 64 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे यार, 96 और 64 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे गाइस। तो अगर मुझे 96 और 64 की बात करनी हो तो 96 और 64 टोटल कितने हो जाएंगे, 160 डिवाइडेड बाय 20 8 ओम आ जाएगा। तो भैया आरटीएच आ चुका है आपका कितना, 8 ओम। आरटीएच कितना आ चुका है भैया, 8 ओम आ चुका है। अब आता है वीटीएच की बात कर लेते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, तो वीटीएच की बात कर लेते हैं। अब वीटीएच की जब बात करने जाएंगे तो वीटीएच की जब बात करने जाओगे बेटा तो वीटीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा सुनना, जब आप वीटीएच की बात करने जाओगे तो वीटीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप वीटीएच कैलकुलेट करने जाओगे तो वीटीएच को कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको बताना है। तो वीटीएच जब कैलकुलेट करने जाओगे तो बेटा इसके अक्रॉस आपको वीटीएच कैलकुलेट करना है, और जब इसके अक्रॉस आपको यहां पर वीटीएच कैलकुलेट करना है इन दोनों टर्मिनल पर, तो एक टर्मिनल ये ए है और एक टर्मिनल ये बी है। तो अब आप मुझे बताओ बेटा ये वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल में लगा है कि नहीं लगा है, हां सर। तो जब ये वोल्टेज, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल में लगा है, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, इसको वीटीएच मान लो, तो आप मुझे बताओ इसके पास कितना वोल्टेज आएगा और इसके पास कितना आएगा। तो 20 वोल्ट जब इन दोनों के साथ सीरीज में लगा है तो इसके पास कितना आएगा, 16 वोल्ट, और यही 20 वोल्ट इन दोनों के साथ सीरीज में लगा हुआ है तो इसके पास कितना वोल्टेज आ जाएगा भैया, 12 वोल्ट। अब ये वाले टर्मिनल को अपन जीरो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भैया, 16 वोल्ट, और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, 12 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा वीटीएच का वैल्यू भी यहां से निकल के आ जाएगा कितना, 16 - 12 कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट आ गया। अब बस गेम खत्म हो गया, इसके बाद आपको क्या करना था, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या करना था आपको, कुछ भी नहीं करना था। अब तो बहुत ही सिंपल सा सवाल बन गया ये, क्या ये हमने थेविनिन लगाई थी, आरटीएच, सॉरी ये वीटीएच, ये हमारा आरटीएच और ये हमारा आरजी, चलिए। अब यहां पे बताइए, अब इसमें जाने वाला करंट कौन सा था, अब बताइए इसमें जाने वाला करंट कौन सा था, इसमें जाने वाला करंट हमारे पास कौन सा था, आईजी। आईजी कितना निकल के आ जाएगा, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरजी। तो वीटीएच कितना निकल के आया था भैया, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय आरटीएच, आरटीएच कितना था, 8 ओम, और आरजी कितना था, दिस 8 + 2। तो भैया आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0.4 एम्पीयर, कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पीयर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.4 एम्पीयर। स्क्रीन अचानक से क्लियर नहीं दिख रहे हैं बेटा, बहुत क्लियर दिख रहा है, कितना क्लियर दिखेगा स्क्रीन को, मैं भी तो देख रहा हूं अपनी क्लास, बहुत क्लियर दिख रही है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन गाइस। एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे, क्लियर, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लियर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरी ऐसी वीडियोस बेटा, है ना, मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा, कुछ और दिखेगा आपको स्क्रीन पर, ऐसी वीडियोस बेटा जो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूं, 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस, क्लियर। अब आपको कहां दिखेंगी वो 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस, तो आप देखोगे जब चैनल के ऊपर आप आते हो यहां पर, तो पहले तो लाइक करके भाई, लाइक करके 100 क्रॉस कर देना, जितने भी बच्चे यहां पे अवेलेबल है लाइक करके 100 क्रॉस कर दीजिएगा। आज का छोटा टॉपिक था हमारा, है ना, इसलिए जल्दी हो गया, बाकी हम लोगों ने पूरे मेजरमेंट देखे, क्लियर। और यार सेशन के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा, आप लोग आजकल कमेंट करके नहीं जाते हो तो कमेंट जरूर करके जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप देखोगे यहाँ पे वीडियोस के फॉर्म में, यार यहाँ पर ना मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों को ना 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस बनाता हूँ, या ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए बस मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इन वीडियोस को आप जरूर देखें जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन वीडियोस को आप लोग जरूर देखें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट, एब्सोल्युटली क्लियर। अब आती है इसके बाद की बात, ठीक है सर, इसके बाद की बात क्या है वो भी बता दीजिए। चलो, तो इसके बाद की बात केवल इतनी सी है कि गाइस अभी आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, और अगर मेरी क्लास देख रहे हो ना तो इस वीडियो में, है ना, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो, है ना, तो पहले तो सेशन को लाइक करके 100 क्रॉस कर देना, सभी बच्चे जितने भी अवेलेबल है, 100 क्रॉस नहीं हुए हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करेंगे। इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो ना, तो बेटा यहाँ पे मिलता है आपको AEJEE इलेक्ट्रिकल,
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दिल से तैयारी करना चाहते हैं, इस बार एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर। तो जब आप एज इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करोगे तो आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है आपको? एक्सप्लोर करना है इसको बेटा। ये एज इलेक्ट्रिकल लाखों बच्चों की आज पसंद बना हुआ है, क्लियर। यहाँ पर आपको मिलता है मेरा लाइव बैच। मेरे लाइव बैच के साथ साथ आपको क्या मिलता है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे लाइव बैच का नाम है अचीवर्स बैच, जो कि अभी चल रहा है, जिसके सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हर दिन 2 घंटे की क्लास होती है, कभी क्लास कैंसिल नहीं होती, और आज तो 4-4 घंटे पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मेरा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, NHPC THDC का बैच अवेलेबल है, DFCCIL का बैच अवेलेबल है, BARC का बैच अवेलेबल है। BARC के बैच के बाद अगर मैं बात करूं तो आपके लिए झारखंड SSC का बैच अवेलेबल है, क्लियर। आपके लिए नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नॉन टेक में यहाँ पे छूटी हुई है। नॉन टेक का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग सब अवेलेबल है। आपके स्टेट के जीके यानी कि राजस्थान जीके का बैच, मध्य प्रदेश जीके, यूपी जीके, हरियाणा जीके, सारी जीके के बैचेस अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की बात करूं तो लाइव बैच हमारा करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप लोग देख सकते हो। इन सभी चीजों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मेरा रिविजन बैच भी अवेलेबल है। इन सभी चीजों के अलावा अगर हम बात करें मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ, निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म और इंजीनियर्स एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट के बैच, कंटेंट, टीचर सब आपके लिए इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए मेरी 1 घंटे की डाउट क्लास, अगर हम बात करें तो हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये सब आप लोगों के लिए इंक्लूडेड है। और इन सभी चीजों के बाद 6 मंथ्स के लिए बेटा इसका प्राइस जो है वो मात्र 4619 रुपीज है। और जब 4619 6 मंथ्स के लिए, तो जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करोगे, जो कि टेस्ट बुक का एकमात्र क्या है गाइस, यूनिवर्सल कूपन कोड है, तो जैसे ही आप मोहित के नाम को यूनिवर्सल कूपन कोड अप्लाई करोगे, तुरंत इसकी प्राइस जो है वो 4289 हो जाती है, जो कि आपकी सबसे रीजनेबल प्राइस है। अब चलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर क्यों ज्वाइन करना बहुत जरूरी है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बेटा टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को एक वो चीज मिलती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप वो हजारों बच्चे मिलते हैं आप लोगों को जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, वो हजारों बच्चे आप लोगों को मिलते हैं जो अब आपके साथ पेपर देने वाले हैं, और मैं तो अवेलेबल हूँ। तो यार ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा पता है, यहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पे अब लाइव आने वाला हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो कॉल भी करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग फेस टू फेस मुझसे बात कर पाओ, किसी तरीके की समस्या होगी उसको दूर करेंगे। द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासन सर टेल, तो आज इसको ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग वापस से मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन के लिए, है ना, और मचाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।